हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किसु किचन। आज की मेरी रेसिपी है पनीर चिली। पनीर चिली को हमने आज कुछ डिफरेंट वे में बनाया है और इसके फ्लेवर में कुछ चेंजेस लाया है, जिसे आप भी आसानी से बना सकते हैं और घर पे ही रेस्टोरेंट जैसे पनीर चिली का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि हमने पनीर चिली को कैसे बनाया है। पनीर चिली बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 200 ग्राम पनीर। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, दो चम्मच मैदा, एक चम्मच गरम मसाला, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून कर्ड एंड हाफ टी स्पून नमक। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमको इसका बैटर तैयार करना है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स करते रहेंगे। बैटर हमारा रेडी है। इसे ना तो ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब हम एक पैन को गैस पे रखेंगे और उसको गरम करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। हम यहाँ 4 टेबल स्पून तेल यूज कर रहे हैं और तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम पनीर को इस बैटर में डीप करके तेल में डालेंगे, क्योंकि हमको पनीर को फ्राई करना है। हम एक एक करके सारे पनीर को डालेंगे। आप पनीर को बहुत ही केयरफुली डालें। हमने यहाँ पनीर को ऐड कर दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। याद रखें, जब भी आप पनीर को फ्राई करें, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पे पनीर जल जाएगा और उसका टेस्ट भी चला जाएगा। हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको तेल से बाहर करेंगे। हमने यहाँ पनीर को फ्राई करके बाहर निकाल लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू। फिर से हम दूसरा पैन गैस पर रखेंगे और उसमें डालेंगे तेल। हम उसी तेल का यूज कर रहे हैं जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था। तेल गर्म हो चुका। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक एंड जिंजर और इसको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, ताकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। गार्लिक रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ ऑनियन। पनीर चिली के लिए हमने ऑनियन को ऐसे 4 भागों में कटा हुआ है। कटा हुआ कैप्सिकम एंड 2 ग्रीन चिली, और इन सबको हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ऑनियन एंड कैप्सिकम फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सोया सॉस। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस हो तो आप 1 चम्मच ही डालें, बट मेरे पास लाइट सोया सॉस है, इसलिए हम 2 चम्मच सोया सॉस डाल रहे हैं। 2 चम्मच रेड चिली सॉस। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो रेड चिली सॉस का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 2 चम्मच टोमेटो केचप। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप नॉर्मल रेड चिली भी डाल सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, इससे तेल बाहर आने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। आप चाहें तो यहाँ स्प्रिंग ऑनियन डाल सकते हैं, यह टोटली ऑप्शनल है, या फिर आपको जो वेजिटेबल्स अच्छा लगता है वो भी कट करके डाल सकते हैं, इससे थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता है। कट किया हुआ कोरिएंडर लीव, और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, यह टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें। नमक,
नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे। सब्जी हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ घोल लिया है। अब हम इसको इसमें डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। याद रखें, जब भी आप कॉर्नफ्लावर का ग्रेवी डालें तो गैस का फ्लेम लो रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो पनीर चिली हमारा कंप्लीट है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। गार्निशिंग के लिए हम इस पर थोड़ा सा और कोरिएंडर लीफ डाल रहे हैं। आप इसे रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बट ये रोटी के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन